दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की बड़ी खबर, दोस्तों आज फिर सस्ता हुआ सोना और चांदी। दोस्तों, कितना सस्ता हुआ है सोना और चांदी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे कैसे पहचाने सोने की शुद्धता। दोस्तों, ऑल टाइम हाई से अब तक कितना सस्ता हो चुका है सोना और चांदी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको 14 से लेकर 24 कैरेट सोने के करेक्ट भाव बताने वाले हैं। दोस्तों, कैसे पहचानेंगे सोने की शुद्धता इसकी भी जानकारी देंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें रोजाना ताज़ा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के पांचवें और आखिरी दिन आज भी सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सोना 132 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सप्ताह 24 कैरेट सोने का ताजा भाव 47,836 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। दोस्तों, 23 कैरेट वाला सोना आज 47,644 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दोस्तों, 22 कैरेट वाला सोना आज 43,818 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट वाला सोना आज 35,877 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और दोस्तों, 14 कैरेट वाला सोना आज 27,984 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल टाइम हाई से सोना अब तक कितना सस्ता हुआ है, यानी इस गिरावट के बाद सोना अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 8,364 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता है। और दोस्तों, सोने की में ऑल टाइम हाई अगस्त 2020 में बनाया था, उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 19,886 रुपए प्रति एक किलो की दर से सस्ती बिक रही है। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 79,980 रुपए था। दोस्तों, आपको बता दें कि आज एक किलो चांदी 60,472 रुपए प्रति एक किलो है और दोस्तों इसमें 326 रुपए की आज गिरावट आई है और अगस्त 2020 से अब तक 19,000 रुपए सस्ती बिक रही है चांदी। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ऐसे करें सोने की पहचाननी। ISO द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट सोने की आभूषण पर 999 लिखा होगा। दोस्तों, 23 कैरेट वाले सोने के गहने पर 958 लिखा होगा और दोस्तों 22 कैरेट पर 916 लिखा होगा। दोस्तों, 21 कैरेट के सोने पर 875 लिखा होता है और 18 कैरेट के सोने पर 750 लिखा होता है। जो दोस्तों ज़्यादातर सोना 22 कैरेट में बिकता है, वहीं कुछ लोग 18 कैरेट का इस्तेमाल भी करते हैं। कैरेट 24 से ज़्यादा नहीं होता है और जितना ज़्यादा कैरेट होता है उतना ही सोना शुद्ध कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो ऐसे सोने की शुद्धता पहचानें। अगर आप अपने सोने की शुद्धता जांचना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप्स बनाया गया है, BIS केयर ऐप्स से ग्राहक अपने सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ सोने की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं बल्कि इससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें और दोस्तों जब भी खरीदें तो 22 कैरेट का ही सोना खरीदें, क्योंकि 22 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहलाता है, यानी अधिक सोना होता है, इसमें धातुएं कम मिलाई जाती हैं। दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का कहलाता है। दोस्तों, ये था आज का सोने और चांदी का करेक्ट भाव। दोस्तों, रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका